हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम मोनैको बिस्किट से एक मज़ेदार फायरलेस स्नैक बनाएंगे। आप इसे शाम की छोटी भूख के लिए बना सकते हो। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मोनैको बिस्किट सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उबला हुआ आलू मैंने लिया है, उसे छील लिया है, तो ये हम ले लेते हैं। इसे हम क्या करते हैं, हल्का सा इस तरह से हाथों से तोड़ देते हैं, मैश कर लेते हैं। इससे पहले कि हम रेसिपी को आगे बढ़ाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम हमारे क्रेव किचन फैमिली को और बढ़ा सकें। इसमें अब हम मिलाएंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, 1 प्याज को मैंने बिल्कुल बहुत ही महीन चॉप कर लिया है, छोटा प्याज लिया है मैंने। अगर आप बड़ा ले रहे हो तो उसमें से आपको बहुत थोड़ा सा प्याज यूज़ करना है, तो ये हमने डाल दिया है। कुछ चॉप किया हुआ हरा धनिया। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम इसमें डालने वाले हैं हरी चटनी। ये हरी चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि इसे कैसे बनाते हैं। तो ये हमने 1/2 चम्मच डालनी है। हम यहाँ पर एक ही आलू का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें जो हैं उसी हिसाब से डाल रहे हैं। साथ ही में मैं यहाँ पर खट्टी मीठी जो है अमचूर की चटनी डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने यहाँ पर कुछ मोनैको बिस्किट ले लिए। नमकीन बिस्किट होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। सारे इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी के हैं बहुत आराम से मिलने वाले हैं, तो इसे आप एक बार ट्राई कीजिए। बच्चों को शाम की जब भूख लगती है, आप उन्हें ये बना के दे सकते हो, वो बहुत एंजॉय करेंगे इसे खाते हुए। तो देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो बैटर हमने बनाया है रख लेंगे और दूसरा बिस्किट जो है हम इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह से घुमाते हुए पूरा सा अंदर दबा देंगे, ताकि बाहर जो है मसाला ना दिखे और अच्छे से ये कोट हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। इसी तरह से मैं सारे बिस्किट्स के सैंडविच बना लेती हूँ। सारे हमारे सैंडविच बन चुके हैं, तो चलिए इसे थोड़ा सा और गार्निश कर लेते हैं। इस तरह से हमने इन्हें तैयार किया है। ये मैंने बारीक वाले सेव लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से इसमें रोल कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसे पूरी तरह से सेव के साथ रोल कर दिया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये। तो इसी तरह से मैं सारे जो हैं उन्हें रोल कर लेती हूं। तो यहां हमारे सारे बिस्किट सैंडविच रेडी हो चुके हैं, तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं। यहाँ पर हमारे झटपट से बनने वाले मोनैको बिस्किट सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हमने इसे केचप के साथ सर्व किया है। आपने देखा ये बिल्कुल आसान है बनाना, बच्चे भी इसे बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इजी वाली रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर देना और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज को आप देख सकें।